एक और राज्य में कांग्रेस की होगी धमाकेदार जीत। एक सर्वे ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन, कांग्रेसियों में भयंकर जश्न की आंधी। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, विधानसभा चुनाव से पहले इस सवाल पर लोग अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। राज्य में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक 3 सर्वे रिपोर्ट सामने आई हैं, जिनमें से 2 एमपी विधानसभा के लिए जबकि 1 सर्वे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए है। सर्वे रिपोर्ट के बाद राज्य में बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन कमलनाथ की सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी थी। 2020 में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से प्रदेश के सीएम बने। अब दोनों ही दल राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर सर्वे रिपोर्ट में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में अभी करीब 4 महीने का वक्त शेष बचा है। 4 महीने पहले 3 अलग अलग संस्थाओं ने राज्य में सर्वे किए हैं, किसी में कांटे की टक्कर बताई गई तो किसी सर्वे में कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिख रहा है। तीनों सर्वों की रिपोर्ट राजनीतिक पार्टियों के लिए चौंकाने वाली है। हालांकि 2 सर्वे बीजेपी को बढ़त मिलने का दावा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम्स नाउ नव भारत के सर्वे की। टाइम्स नाउ नव भारत ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सर्वे किया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, इन सीटों पर लोगों की राय ली गई है। सर्वे के अनुसार अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस 22 से 24 सीटें जीत सकती है, जबकि भाजपा के खाते में 5 से 7 सीटें जा सकती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी। कांग्रेस केवल छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। छिंदवाड़ा कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। एबीपी न्यूज सर्वे रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों दलों के बीच सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर राज्य में एक बार फिर से 2018 वाले हालात बन सकते हैं। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 114 जबकि बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में लोगों ने सबसे ज्यादा वोट शिवराज सिंह चौहान को ही दिया था। विधानसभा चुनाव से पहले जी न्यूज ने भी सर्वे किया है। सर्वे के अनुसार राज्य में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बन सकती है, हालांकि सीटों में ज्यादा अंतर नहीं होगा। सर्वे के अनुसार बीजेपी को राज्य में 119 से 129 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को सर्वे में 45% वोट शेयर मिलता दिखाया गया है। वहीं कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। कांग्रेस को 39% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं 4 से 9 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को भी मिल सकता है।